एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह का टाइम है, मैं सज धज कर अपने साजो सिंगार करके तैयार हो चुकी हूँ और अब जा रही थी मैं अपनी ऑफिस एडमिन्स कोचिंग जहाँ मैं प्रोग्राम सीखती हूँ। तो उसके लिए मैं लंच के डब्बे लेके एकदम मस्त दिखा रही थी आप सभी को और उसमें फिर लंच पैक करती हूँ फटाक से सारे डब्बों में। मैंने बनाया था तड़का और रोटी, तो फटाफट उसको हम पैक करते हैं और फिर हम जाने की तैयारी करते हैं। और हाँ, इतने सारे टिफ़िन का डब्बा देखकर ये मत समझ जाना कि सारा टिफ़िन का डब्बा मेरा है, ऐसा नहीं है। मेरे साथ साथ दीपू बाबू का भी है, तो हम दोनों के दो दो डब्बे, तो चार तो हैवी हो गए। और एक अचार या फिर सेजवान की चटनी की भी रहती है, तो हमारा एक एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। ये टिफ़िन हो गया है दीपू बाबू के लिए रेडी, और एक जो और पतली वाली टिफ़िन दिख रही है वो मेरे लिए है। बाकी अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चुकी हूँ कोचिंग से रूम, मतलब बहुत जल्दी आ गई। आज मैं 5 बजे ही आ गई, दीपू बाबू के साथ डी मार्ट गई, फिर बहुत सारा चॉकलेट वगैरह कुछ कुछ खरीदाया जो कि बाबू के लिए था वो चला गया, मतलब दीपू बाबू लेके चले गया। और अब हम जा रहे हैं राखी खरीदने, थोड़े बहुत मुझे भी पैसे मिले हैं राखी खरीदने को, तो हम भी चल रहे हैं थोड़ा सा मार्केट नीचे। और यहाँ पे तो राखी का मेला ही लगा हुआ है, ऐसा मार्केट पूरा लगा हुआ है। तो चलो चलते हैं हम, और मैं दिखाऊंगी भी कि हाँ मार्केट कैसा लगा है। राखी से भरा हुआ सारा मार्केट, चारों ओर राखी राखी राखी। तो चलो फिर खरीदते हैं हम राखी। फिर क्या, मैं मार्केट के लिए निकल जाती हूँ और साथ में मेरे साथ एक आंटी और उनकी बेटी भी जाती है, और उनकी बेटी मेरी सारी वीडियो बनाती है, मेरी वीडियो बनाने में हेल्प करती है। और मैं हर जगह राखियाँ देखती भी हूँ, जो पसंद आते वो ख़रीदती भी हूँ, और हर जगह थोड़ी मोल भाव भी करती हूँ। मैंने मार्केट के साउंड को म्यूट कर दिया बिकॉज बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ था, बहुत ही ज़्यादा शोर हो रहा था, बहुत ही अल्लाह, तो इसलिए मैंने शांत कर दिया, उसको म्यूट कर दिया। और मैं मुझे यहाँ पे एक राखी पसंद आती है, वो होती है रुद्राक्ष वाली, जो मैं दिखा रही हूँ ये वाली राखी मुझे पसंद आती है, तो मैं इस राखी को ले लेती हूँ। और ये राखी मुझे बहुत ही सस्ते में मिलता है, सिर्फ मात्र और मात्र 5 रुपये में। मुझे लगता है ये अंकल के पास ये वाली राखी बहुत ही पुराने टाइम से होता है, लेकिन ये राखी मुझे अच्छी लगती है, तो मैं फटाक से इसको एक तो ले लेती हूँ यहाँ से, फिर आगे की शॉप से लेती हूँ। इस वाले अंकल से मेरी थोड़ी मोल भाव ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि मैं जो रुद्राक्ष वाली राखियाँ पहले 5 रुपये में ली हुई रहती, उसी उस टाइप से थोड़ा सा डिफरेंट था, वो 20 रुपये बोलते हैं मुझे, तो मैं उनको बोलते हैं अभी मैं 5 रुपये में लेके आ रही हूँ इससे बड़ी वाली, तो वो बोलते हैं कि शायद वो पुराने रखे होंगे। फिर वहाँ से मैं आगे चल देती हूँ, वहाँ से एक राखी लेती हूँ और उसके बाद आगे चलती हूँ। और मिठाई भी ख़रीदनी होती है मुझे, तो उधर भी ध्यान रहता है, और एक दो और राखियाँ और लेनी होती है, तो उसके लिए भी हम देखते हैं। और मुझे उस पर ज़्यादा फोकस कर रही थी कि मुझे रुद्राक्ष वाली राखियाँ मिल जाए। और जब
जब लास्टली मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे मिठाई लेनी है तो मुझे मिठाइयाँ महंगी लगने लगती हैं, क्योंकि मिठाइयाँ इतनी महंगी रहती है। मैं बहुत कम मार्केट जाती हूँ तो मुझे पता भी नहीं रहता कि आखिर दाम कितना है। तो वो मुझे बोलते हैं 300 रुपये किलो, 400 रुपये किलो, ऐसे मिठाइयाँ बता रहे थे। तो मैं फिर नहीं लेती, मैं बस आ जाती हूँ, फिर दीपू बाबू बाद में मिठाई लाते हैं, मैं पूछ के ही बस उनके पास से चली आती हूँ। इतनी महंगी ना कि मैं बोलती हूँ, और मैं जस्ट एक दुकान के बाहर पूछने से पहले ही एक दूसरे दुकान पे पूछ चुकी होती, तो वो थोड़ा सस्ता बताते और ये तो और भी महंगा बताते। तो मैं बोलती वाह, अभी मैं पूछी थी तो वो 250 ग्राम के 70 रुपये बता रहे थे, आप तो डायरेक्टली 100 रुपये बता रहे हो। तो फिर क्या, वहाँ भी थोड़ी सी हमारी मोल भाव ज़्यादा हो जाती है और मैं लेती भी नहीं हूँ। फिर लास्टली मैं रिटर्न हॉल लेती हूँ, और फिर कुछ कुछ और भी ख़रीदने होते हैं तो उधर भी ख़रीदारी करती हूँ। Light me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, I see you are real right now. वीडियो बनाओ, कमेंट में नंबर दो, फोन पे नंबर मेरा कमेंट में मेरा फोन नंबर दो, 50 रुपये कम पड़ गया। बाकी ये शॉपिंग ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। देखते रहो मेरे वीडियोस को, लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। सो कीप वॉचिंग माई वीडियो, बी हेल्दी एंड बी बेस्ट। बाय, थैंक यू।